उदयपुर में बीती 14 अक्टूबर को हुई लाखों के पाइप चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों के साथ करीब 6 लाख कीमत के पाइप दिल्ली से बरामद किए हैं। बरेली निवासी शोभित कुमार ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि वो उत्तराखंड पेयजल निगम में ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा रुद्रपुर में गंगापुर रोड रुद्रपुर में कार्य में इस्तेमाल होने वाले पाइप रखे गए थे, जो कि गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो 6 लाख रुपए के कीमत के 87 पाइप दिल्ली से बरामद किए गए। वहीं मामले की जांच में यह पाया गया कि गिरोह की ओर से कैंटर में भरकर पाइपों को दिल्ली में बेचा जा रहा था। फिलहाल 2 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। देखिए, ये ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था, जिसमें 23/24 की रात्रि में एक वाहन लगा के कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपये मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। इसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जो वाहन कैंटर जो इससे चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। अभी 2 मुलजिम अभी फरार चले, जिसको पकड़ने के हम प्रयास कर रहे हैं। ये कि कॉन्ट्रैक्टर ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि एक पाइप का काम कर रहे थे वहाँ पर गंगापुर रोड में, शोभी सिंगल, उनके द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई थी। और चूंकि ये सरकारी वर्क था, काम चल रहा था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो प्राइवेट व्यक्ति था, तो इस आधार पर उनकी तरफ से ही FIR दर्ज कराई गई।